हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम आपको उड़द दाल, जो छिलके वाली उड़द दाल होती है फ्रेंड्स, इसे हमें साफ़ करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी, जो बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से ये छिलके उतर जाते हैं। तो इस उड़द दाल को ब्लैक ग्राम स्किन भी कहा जाता है और ये हमें इसे उड़द की दाल या माँ की दाल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए, यानी 4 to 5 आवर्स के लिए इसे वाटर में सोक करके रख दिया था। तो ये इस तरह से ये पूरी भीग चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो है इसे हमें रब करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे हम दोनों हाथों से इसे अच्छे से रब करेंगे। इस तरह से हमें इसे रब करना है। इसे अच्छे से रब करेंगे ताकि इसके छिलके पूरे उतर जाए। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। पानी डालने के बाद में फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से एक बार फिर रब कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेनर लेंगे, उससे हमें इसे इस तरह से निकालना है। इसे ऊपर के ऊपर आप घुमाओगे तो ये छिलके आसानी से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये छिलके निकलते जाएंगे। आप इसे इसमें जमा करते जाइए, फिर हम घुमाएंगे एक बार। और छिलके निकालते जाएंगे। अब फिर से हम एक बार इसे रब करेंगे। इसे अच्छे से रब करूंगी तो इसके छिलके अपने आप ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह हमें इसे घुमा घुमा के निकालना है। अब बकेट में बोलो या थोड़ी सी गहरी गंजी में आप इसे निकालोगे तो ये आसानी से ऊपर ऊपर आ जाएगा। थोड़ी बहुत दाल आ गई तो उसे हम हाथों से निकाल लेंगे। एक बार फिर उसे मिक्स कर दिए तो छिलके अपने आप ऊपर आते हैं। इसी तरह हमें निकालते जाना है। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसका पानी जो है इसे हम स्ट्रेन कर देते हैं। इसे हम पानी को निकाल देते हैं और फ्रेश पानी डालेंगे। अब इसमें हमने फ्रेश पानी डाल दिया है। अब इसे हम फिर से रब करेंगे। इससे कैसा होगा, साफ पानी डालते जाओगे तो आपको दिख पड़ेगा कि कितनी दाल के छिलके बाकी है। बस इसी तरह हमें रब कर करके इसके छिलके उतारते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट में हमारी दाल काफी अच्छे से धुल जाती है। अब इससे आप बड़े बनाइए, इसके कोफ्ते बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। धुल यानी छिलके वाली उड़द दाल से आप कोई भी चीज बनाते हो तो बहुत टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी दाल धुल चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन, प्लीज़ गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।